हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, DSS भी हो, HSC हो, KVS हो, इसके लिए जो है TGT PGT और कंप्यूटर साइंस की जो है क्लासेस शुरू करेंगे। तो आज जो है हम सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्लास है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें सिलेबस देखेंगे और फिर कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन बनेंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में जो मेन चीज़ें हैं वो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, सर्विसेज क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसके बाद कितने टाइप्स का होता है, क्लासिफिकेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ओके। इसके अलावा सिस्टम कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स में आ जाएंगी। फिर बात आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की, जिसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट क्या होती है, PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, उसके अलावा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ शेड्यूलर, ठीक है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो FCFS, SGF, वो सारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट आता है ये जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को फिर हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में भी हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, स्वैपिंग क्या होता है, उसके अलावा इसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आती है मेमोरी मैनेजमेंट में, तो वो देखेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो IO इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, गोल्स क्या हैं, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, जो एल्गोरिथम होती है डिस्क शेड्यूलिंग की वो देखेंगे। फाइल मैनेजमेंट है, इसमें हम फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओके, फाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें भी जो है हम फाइल मैनेजमेंट में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कंकरेंट प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी से देखिए क्या क्या आता है, रेस कंडीशन आता है कंकरेंट प्रोग्रामिंग में से, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ गया, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है, जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम थी, रीडर राइटर प्रॉब्लम थी, वो किस चीज़ के लिए होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डैडलॉग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी कंकरेंट प्रोग्रामिंग में, ओके। तो मेन है ये 6 चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर ये 6 हम जो है बहुत अच्छे से करेंगे तो आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या फंक्शन है, क्या गोल है इसके, वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखने वाले हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हम बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमें पता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूज़र अपनी नीड के लिए बनाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के द्वारा जो है, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जो सिस्टम ऑलरेडी होते हैं, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा देखिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उन्हें मैनेज करने का, या फिर प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा काम किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। तो मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, इसीलिए इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इंटरफेस कैसे, ये देखें, इसने कहा इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच, मतलब यूजर मीन्स आप और कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में जैसे मान लीजिए CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, वो हार्डवेयर हो गया, और इंटरफेस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे OS कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब देखिए ये इंटरफेस क्यों है, इसका मतलब क्या है। अब हम मान लीजिए हम यूज़र हैं, क्या हम डायरेक्टली CPU से काम ले सकते हैं, क्या डायरेक्टली हम मॉनिटर से काम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब ले सकते हैं बट उतना नहीं, जिसको ज़्यादा पता होगा वही तो ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे फैन और एक तरफ मान लेते, चलिए हार्डवेयर की बात हो रही है, एक तरफ हम हार्डवेयर मान लेते फैन है, दूसरी तरफ हम हैं यूज़र,
अब हम फैन किस तरीके से चलाएंगे, हमें अगर फैन चलाना है, फैन को चलाना है तो हम क्या चलाएंगे? क्या हम फैन को सीधा चला सकते हैं अपने आप? किससे चलेगा फैन? स्विच से चलेगा। तो ये स्विच क्या है? इंटरफेस है। तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है, क्योंकि यूजर जो है उन हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, उसे किसकी हेल्प लेनी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? इंटरफेस होता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, क्योंकि हम डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर से काम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यही बताया गया। चलिए अब देखिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वही इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, जिसको हम यूज करते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हम यूज करते हैं मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूशन है या कुछ भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, वो सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उसको मैनेज करने का, ठीक है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मोनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम दैट रिसाइड इन द कंप्यूटर। तो इसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है, जितने भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो गई या उन्हें सेट करना हो गया, जो भी है, जो भी कंप्यूटर में है, उन्हें कंट्रोल करने का, मॉनिटर करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, इंक्लूडिंग चाहे एप्लीकेशन प्रोग्राम है या फिर अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उन सबको मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। वही लास्ट लाइन कि इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ओके, हाँ, तो देखिए इसमें दिखाया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे दिए हैं अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब इन्हें मैनेज करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम भी कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर बात आती है गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो देखिए इसके मेन गोल्स देखिए, अगर हम प्राइमरी गोल अगर हम देखें इसका, क्या है? मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज इन एन एफिशिएंट मैनर। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को जो है इस तरीके से प्रोवाइड करना कि हम जो उसे कन्वीनियंटली यूज कर सकें। ओके, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इसका जो सेकेंडरी गोल है वो है रिसोर्स जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उन्हें मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये दो मेन गोल होते हैं इसमें, ठीक है। फिर है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। देखें हम तो इसके बेसिक फंक्शंस देखें कौन कौन से होते हैं। फाइल मैनेजमेंट होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एज ए रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं कंप्यूटर में, उन सभी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो इसको क्या नाम दे दिया? रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। जैसे कंपनी होती है, अब कंपनी का सारा काम कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता, मतलब जो कंपनी का मालिक है क्या वो सारे काम को संभाल सकता है? कोई ना कोई उसे काम को मैनेज करने के लिए वो रखता ही है, और जिसको क्या नाम दे दिया जाता है? मैनेजर, ठीक है। तो सेम इसमें है, कंप्यूटर में हम जो हमें कुछ भी करना है हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, किसके हेल्प से करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। उसके फंक्शन पता चल गए हमें क्या क्या। आप देखिए एज ए रिसोर्स मैनेजर ये फंक्शन हो गया, अब इनका काम क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइल मैनेजमेंट की। फाइल में क्या आ गया? अब तो फाइल मैनेजमेंट की बात हो रही है। फाइल मैनेजमेंट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल मैनेजमेंट में क्या आएगा? जो भी इंफॉर्मेशन है, जो लोकेशन है, ठीक है, प्रोसेस की, उसके यूज क्या है, स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी फाइल मैनेजमेंट में। रिसोर्स को एलोकेट करने का काम भी किसका होगा? फाइल मैनेजमेंट का। और डी एलोकेट करने का काम भी किसका होगा? फाइल मैनेजमेंट का। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस में मतलब ऑल डिवाइसेस, लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस जो आती हैं, इनपुट आउटपुट सभी, ओके? तो ये होता है डिवाइस में, डिवाइस को मैनेज
करना, डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस जो है को जो है डिवाइस मिलेगा, कब मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये काम जो है डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। एलोकेट करना डिवाइस को और डी एलोकेट करना डिवाइस को, ये भी डिवाइस मैनेजमेंट हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट की कितनी मेमोरी है उसके पास, कितनी प्राइमरी मेमोरी है, कितनी यूज हो गई है, कितनी यूज नहीं हुई है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग है तो ये डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस को जो है मेमोरी दी जाएगी, कब दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा वही एलोकेट करना मेमोरी की जब भी प्रोग्राम रिक्वेस्ट करेगा, और डी एलोकेट करना जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उस मेमोरी को डी एलोकेट करना, ओके। फिर है प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में देखिए क्या आएगा, वही कि प्रोसेस को जो है कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग आ जाएगी इसमें। या फिर एलोकेट करना प्रोसेसर टू ए प्रोसेस, या प्रोसेसर हमें पता क्या होता है, प्रोसेसर होता है सीपीयू, यानी कि किसी भी प्रोसेस को सीपीयू जो एलोकेट किया जाता है या डी एलोकेट किया जाता है जब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। लास्ट जो है इसमें इसका फंक्शन वो है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी सबको पता है किससे रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है या सिमिलर अदर टेक्निक्स जो भी होती हैं, ताकि डाटा को जो है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये तो सिक्योरिटी आ गई। फिर आता है प्रोटेक्शन, कि जितने भी एक्सेस्ड सिस्टम है या एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल में रहे, प्रोटेक्ट करना उन्हें, ये सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में आ गया, ठीक है। और तो आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो इन्हीं पे क्या है, डिटेल में बस इन्हें पढ़ना है कि प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। प्रोसेस के बारे में बताया मैंने, कैसे जो है उन्हें सीपीयू प्रोसेसर एलोकेट किया जाता है, तो सीपीयू शेड्यूलर कैसे होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें नेक्स्ट आने वाली हैं। चलिए अब देखते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस क्या है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। वही जो हमने कहा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन में भी काम करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में भी काम करता है, तो हर एक चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रही है। तो देखिए सबसे पहले है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना नॉर्मली अब नॉर्मली किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। तो सिस्टम जो है एबल होता है कि लोड कर सके हम प्रोग्राम को मेमोरी में, लेकिन ये किस तरीके से बनता है, अपने आप तो हम जो है लोड नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम को मेमोरी में, तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फिर है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन मीन्स किसी भी यूज़र जो है डायरेक्टली क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, कॉपी कर सकता है फाइल को, ठीक है। लेकिन किसका यूज़ करके, कमांड का यूज़ करके, और वो कमांड्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो याद ये फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हो गया। फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, कोई भी रनिंग प्रोग्राम है उसे जो है इनपुट आउटपुट की तो ज़रूरत होगी ही, ठीक है। तो ये भी कौन प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है कम्युनिकेशन किस किस के बीच में, बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, किसके द्वारा, शेयर्ड मेमोरी के द्वारा, या फिर जो टेक्निक होती है मैसेज पासिंग, उसके द्वारा जो है प्रोसेसर प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक। फिर रिसोर्स एलोकेशन, देखिए मल्टी यूज़र या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब मल्टी यूज़र या मल्टी प्रोग्रामिंग है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कौन सा रिसोर्सेज मिलेगा, कब मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है। तो रिसोर्स को एलोकेट करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अकाउंटिंग है, इसके अलावा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, वे लॉग इन लॉग आउट कमांड्स के द्वारा, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बताया गया है कि
कौन कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। सबसे पहले MS-DOS, MS-DOS क्या है, MS-DOS पूछ सकते हैं कि MS-DOS है क्या, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, MS से माइक्रोसॉफ्ट और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि डोस को किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो डोस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में, ठीक है। और डोस जो है सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर यानी कि मल्टी यूजर नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंगल टास्क कर सकता है, एक बार में एक ही काम कर सकता है या एक टाइम में एक ही यूजर जो है एमएस डोस पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है CPM, कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। CPM क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो प्रोसेसर, ये भी क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, ठीक है। विंडोज बात करें तो विंडोज के दो वर्जन है, डोस विद विंडो एंड विंडो एनटी, ठीक है। तो ये भी क्या है, विंडो विद डोस विद विंडो और विंडो एनटी, ये भी दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS/2 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिंटोस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। तो ये बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए आगे देखिए, मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर किया जाता है। कुछ टर्म्स जो हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए जो है यूज़ की जाती है, जैसे थ्रोपुट हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया और रिस्पॉन्स टाइम हो गया। तो यहाँ से तीनों से ही डायरेक्टली एक क्वेश्चन देते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले थ्रोपुट, थ्रोपुट क्या है, थ्रोपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। देखिए क्वेश्चन देंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए पर यूनिट टाइम जब आ जाए तो ये होता है थ्रोपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड एंड इन एन इंटरवल ऑफ टी सेकेंड, मतलब एन प्रोसेसेस और वो कंप्लीट हो रही हैं टी सेकेंड्स में, तो देन द थ्रोपुट इज टेकन एज एन बाई टी, यानी कि एन प्रोसेसेस पर सेकेंड, ठीक है, एन प्रोसेसेस पर सेकेंड, वही आ गया, सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क कि वो जो काम कर रहे हैं वो पर यूनिट टाइम में जो है कितना काम हो रहा है वो थ्रोपुट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जॉब, यानी कि जब आपने जॉब जो भी थी वो शुरू जब की और जब खत्म की उसके बीच का जो टाइम होगा शुरू करने से लेकर उसके कंप्लीट करने तक, वो उसका टर्न अराउंड टाइम होगा। अगर पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं तो थ्रोपुट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से लेकर आखिर में वो जाके खत्म हो रही है, ठीक है, तो वो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। लास्ट है रिस्पॉन्स टाइम, ओके। रिस्पॉन्स टाइम इज द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम द फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर द जॉब इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। रिस्पॉन्स टाइम है, तो रिस्पॉन्स टाइम आप जो है इजीली पता कर सकते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ सबमिशन, जब शुरू किया उसने और जो उसे पहला रिस्पॉन्स मिला वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम जो है इज बेटर मेजर एज कम्पेयर टू टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेटर मेजर करता है अगर हम कंपेयर करें टर्न अराउंड टाइम से। तो थ्रोपुट में पर यूनिट के बारे में बोला जाए, टर्न अराउंड टाइम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो हम करेंगे काउंट वो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, और रिस्पॉन्स टाइम में जब सबमिशन हुआ उससे लेकर और जो उसे फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला वो हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। चलिए आगे बात करें टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नंबर ऑफ यूजर्स में देखें तो एक होता है सिंगल यूजर सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर सिस्टम। तो देखिए सिंगल यूजर सिस्टम में क्या है, द प्रोसेसर और कंप्यूटर डज ओनली वन जॉब एट ए टाइम, कि प्रोसेसर हो या कंप्यूटर हो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ठीक है, मतलब वन टाइम पे वो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि MS-DOS। मल्टी यूजर की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन वन यूजर,
It allows the interaction of one user with the other. It also helps in executing more than one task at a particular task. The more than one user use कर सकता है और execute कर सकता है ये more than one task at a particular time. ये हो जाएगा multi-user system. Example वही Unix and Windows NT. फिर देखिए इसमें difference क्या है. Single है तो single person use कर सकता है. Multi-user है तो एक से ज़्यादा user जो है उसे use कर सकता है at a time. Stand alone मतलब अकेला होता है. मल्टी यूजर क्या होता है, मैनी सिस्टम आर कनेक्टेड विद वन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम जो है एक ही सिस्टम से जो है कनेक्ट होते हैं. मोर सिक्योर, सिक्योर होता है और इसमें लेस सिक्योर होगा, क्योंकि लेस सिक्योर क्यों होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम जो है कनेक्टेड है. ऑब्वियस है एक सिस्टम का डाटा दूसरे से जाएगा ही जाएगा, दूसरे का तीसरे पे जाएगा, तो इसमें क्या होगा सिक्योरिटी कम होती है. नो शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग ऑफ डाटा नहीं होगी, अब मल्टी यूजर है तो शेयरिंग ऑफ डाटा तो होगा ही. मोर इंटरेक्टिव लेस इंटरेक्टिव, ये सिंपल होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सस्ता होता है तो ये कॉस्टली होता है. ठीक है, लेस फंक्शन मोर फंक्शन, स्मॉल इन साइज लार्ज इन साइज. एग्जाम्पल्स हैं डॉस और विंडोज, एग्जाम्पल्स हैं विंडो एनटी और यूनिक्स. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कैसे कैसे क्लासिफाइड हुआ है, अलग अलग टाइप्स का जो है होता है ये. सबसे पहले है अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम और सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सीरियल प्रोसेसिंग नाम से ही पता चल रहा है. देखिए सीरियल प्रोसेसिंग में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है कि जो मेमोरी होती है उसमें एक ही जॉब होती है एक ही टाइम पे. ये देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे और ये प्रोग्राम एरिया हो गया, तो इसमें जो है एक ही जो है प्रोसेस होगी एक टाइम पे, और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस उसमें एंटर नहीं करेगी. ठीक है, जब एक जॉब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी नेक्स्ट जॉब जो है एंटर करेगी सीरियल वे में. ठीक है, तो ये सीरियल प्रोसेसिंग होती है कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन जॉब रिसाइड इन कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी में जो है एक ही जॉब होगी और कब तक रहेगी, एंड इट रिमेन्स देयर टिल इट इज एग्जीक्यूट. जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए वो तब तक वहीं रहेगी, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी जॉब नेक्स्ट जॉब जो है उसमें एंटर्ड हो जाएगी. अब देखिए पहले एक जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी जाएगी, फिर उसके बाद कंप्लीट जब हो जाएगी तो ये तीसरी जाएगी. अब इसमें देखिए इसको मैनेज करना इजी होगा, सिंपल होगा. ठीक है, इसको मैनेज करना क्या होगा, सिंपल, क्योंकि पहले एक गई, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी जाएगी, जब दूसरी कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरी जाएगी, तो इसको मैनेज करना इजी होगा. लेकिन वेटिंग टाइम तो बढ़ता जाएगा. ठीक है, जब तक एक कंप्लीट ही नहीं होगी, बाकी वेटिंग में तो बहुत सारी हो सकती है ना, अगर वो मल्टी में जाएगा, अगर मतलब बहुत सारी एक साथ में जो है मेमोरी में बहुत सारी प्रोसेस या जॉब रह सकती हैं तो वेटिंग टाइम कम लगेगा. तो इसीलिए जो है इसमें वेटिंग टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है. रिसोर्स मैनेजमेंट ईजी होता है सीरियल प्रोसेसिंग में. एलोकेशन मतलब एलोकेट करना मेमोरी, ये भी ईजी होता है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगी, एक तो स्लो होगा, वेटिंग टाइम क्या होगा ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये याद रखिए स्लो होगी प्रोसेस और वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा. फिर बात आती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये क्या होता है. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ऑफलाइन डिवाइस भी बोला जाता है, ये याद रखिए. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको ऑफलाइन डिवाइस भी कहा जाता है. देखिए जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जब आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हर एक यूज़र क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा अपनी जॉब को पहले ऑफलाइन में. ठीक है, फिर उसे क्या करेगा, जब वो प्रिपेयर कर लेगा अपनी जॉब को वो उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजेगा. क्या भेजेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजेगा. फिर ऑपरेटर क्या करेगा, उनको जो भी वो जॉब है, मान लीजिए बहुत सारी जॉब मैं दे देती हूँ, चलिए जॉब वन से लेके जॉब टू, जॉब थ्री एंड जॉब सेवन है. ठीक है, हमने तैयार कर ली जॉब सेवन, फिर हमने इसे कंप्यूटर ऑपरेटर को भेजा. हमने क्या किया, इसे कंप्यूटर ऑपरेटर को भेजा. फिर जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, इनको सॉर्ट करेगा इनटू बैचेस.
अब जॉब देखें, जॉब जरूरी नहीं ना सिमिलर फंक्शन की हो, अलग अलग फंक्शंस को भी तो यूज करके हो सकती है ना, तो वो ऑपरेटर क्या करेगा, जो सेम फंक्शंस की जॉब होंगी उन्हें एक साथ लगाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1, 3, 5, 6 और 7 जो थी सेम की थी, और 2 और 4 जो थे वो सेम फंक्शन की थी, तो वो इस तरीके से जो है उन्हें बैचेज में डिवाइड कर देगा, ठीक है। बैच विद सिमिलर रिक्वायरमेंट एंड रन्स ईच बैच ऑन द कंप्यूटर, ऑपरेटर क्या करेगा, शॉर्ट करेगा जॉब इनटू बैचेस विद सिमिलर रिक्वायरमेंट एंड रन्स ईच बैच ऑन द कंप्यूटर, और जैसे ही जॉब कंप्लीट हो जाएगी इसका आउटपुट जो है किसको चला जाएगा, एप्रोप्रिएट यूजर को चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, फास्टर तो होगा सीरियल प्रोसेसिंग से, ऑब्वियस है। अब अगर सेम रिक्वायरमेंट की बैचेज में जा रही हैं तो जल्दी से जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अगर देखें हम लेते सीधा पहले 1 को करता, फिर 2 को करता, फिर 3 को 4 को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि हर एक की जो जो भी हम उसमें रिक्वायरमेंट्स थी वो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो मुश्किल होता, तो हम इसीलिए वो सेम में कर लेता है, तो जो है 1 by 1 वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो फास्टर होता है ये सीरियल प्रोसेसिंग से, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट और एलोकेशन भी जो है इसमें इजी होता है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसका टर्न अराउंड टाइम जो है हाई होता है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो क्या होता है, हाई होता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जो डिले होता है बिटवीन जॉब सबमिशन टू जॉब कंप्लीशन वो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। और प्रायोरिटी डिसाइड करना भी क्या होता है इसमें, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बैचेस में जो है इसे डिवाइड करना होता है। तो याद रखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, पहले ऑफलाइन इन्हें प्रिपेयर करते हैं, फिर इन्हें बैचेस में बांटते हैं, वो अकॉर्डिंग टू से सॉर्ट कर लेते हैं सिमिलर रिक्वायरमेंट के थ्रू, फिर जो है जैसे ही जॉब कंप्लीट होती है आउटपुट को भेज देता है वो, ठीक। तो ये याद रखिए, इसको ऑफलाइन डिवाइस भी कहते हैं। फिर आता है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन डिवाइस कहा जाता है, तो क्योंकि इंटरेक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, यूजर और सिस्टम के बीच में जो है ऑनलाइन जो है वो करते हैं। क्योंकि देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में था, मैंने कहा आपको ऑफलाइन डिवाइस होता है, अगर हमें 4+5 चाहिए, 6+3 चाहिए या कुछ इस तरीके से चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले आप इसे ऑफलाइन तैयार करेंगे, ऑपरेटर के पास भेजेंगे, ऑपरेटर सॉर्ट करेगा बैचेज में, फिर उसका जो है आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन इंटरेक्टिव और ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे, आपको साथ साथ उसकी आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। यूजर जो है क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और टू ए प्रोग्राम, या प्रोग्राम को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देगा और इमीडिएट जो है उसे रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा, ऑनलाइन में ये होता है, तो ये इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए अभी बात कर रहे हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कुछ कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है टाइम इंटरवल होता है रिक्वायर्ड, टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है वैसे इसमें। फिर बात आती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, जहां पे कंप्यूटर जो है होल्ड कर ले मोर देन 1 प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देन कंकरेंटली, मतलब प्रोसेस में, सॉरी क्या कहती हूँ उसे, मेमोरी में जब मोर देन 1 प्रोग्राम है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम है, मोर देन 1 प्रोग्राम है, और वो जो सारे के सारे प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं कंकरेंटली, एक साथ जब वो सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कह सकते हैं ए प्रोसेस इन विच कंप्यूटर होल्ड मोर देन 1 प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम कंकरेंटली, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि ए प्रोसेस इन विच कंप्यूटर होल्ड मोर देन 1 प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम कंकरेंटली इज कॉल्ड, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम है, मल्टी प्रोग्रामिंग, और वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम कंपेयर करके देखें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये उससे ज़्यादा बेटर होता है, CPU यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज करता है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है।
इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग से आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, टीजीटी का जो हमने पेपर किया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी का 2017 का, इससे पहले वाली वीडियो जो थी हमने वही पेपर देखा था। तो इसमें ना इसकी एडवांटेज पूछी गई थी कि मल्टी प्रोग्रामिंग की एडवांटेज इनमें से क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है पूछी गई थी। तो देखिए इसकी एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज देखिए क्या होती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है थ्रोपुट को, थ्रोपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम जो होता है इसका वो भी क्या होता है, शॉर्टर होता है, मतलब बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, जैसे ये सबमिट होगा हमें रिस्पॉन्स जो है जल्दी मिल जाता है वहाँ पे। इसके अलावा एबिलिटी होती है टू असाइन प्रायोरिटीज ऑफ जॉब्स, जॉब्स को प्रायोरिटी असाइन करने की भी एबिलिटी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, ओके। इसके अलावा ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है प्राइमरी स्टोरेज एलोकेशन को। तो ये चार जो थे दिए गए थे, मतलब तीन तो ये थे ऊपर वाले जो मैंने आपको फर्स्ट थ्री बताए, इसके अलावा एक और दिया गया था डिक्रीज्ड से रिलेटेड, तो वो डिक्रीज नहीं कर सकता है, तो वो जो थी उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज नहीं थी, ठीक है। तो एडवांटेज जो है इसकी पता होनी चाहिए, इसी की नहीं इनफैक्ट हर की पता होनी चाहिए, हर एक की। फिर बात आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। देखिए टाइम शेयरिंग की अगर बात करूँ, ये स्पेशल केस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विद ए क्विक रिस्पॉन्स टाइम। ये क्या अलाउ करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट अलाउज मैनी यूजर्स टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। शेयरिंग से बात आ गई कि ये क्या कर सकता है, साइमल्टेनियसली जो भी रिसोर्सेज है उन्हें एक साथ जो है बहुत सारे यूजर्स को शेयर करने का काम करता है। तो ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है मल्टी प्रोसेसिंग की क्या होता है, तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स दो प्रोसेसर है, मतलब एक से ज्यादा जब प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर लेता है तो वो हमारी मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग को पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम भी, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखिए किस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा, देखिए मैं मानती हूँ कि ये एक मेन मेमोरी है, ठीक है, ये मेन मेमोरी है, एक हमारे पास प्रोसेसर है इधर CPU 1 ले लिया हमने, दूसरा एक और प्रोसेसर हमारे पास CPU 2, एक से ज़्यादा है तो मल्टी में आ जाएगा CPU 1 CPU 2, ठीक है। इसके पास है IO प्रोसेसर, इसके पास भी IO प्रोसेसर, और ये अटैच है मेन मेमोरी से, ठीक है। फिर है इनपुट आउटपुट यूनिट्स, और इधर इनपुट आउटपुट यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए इन दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ टू और मोर CPU, टू और मोर CPU, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तो है ही, इससे ज्यादा भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो टू और मोर CPU कनेक्टेड टू कॉमन पेरिफेरल्स, ये भी इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर से जुड़ा है, ये भी इनपुट आउटपुट यूनिट से जुड़ा है, ये भी और ये भी। जब दो या दो से ज्यादा जो है प्रोसेसर कनेक्ट हो सेम पेरिफेरल से, और जो है प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करे इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द सेम प्रोग्राम है, और उसकी इंस्ट्रक्शन को जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में याद रखिए प्रोसेसर जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर में प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं। आगे है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। इसके एडवांटेज की अगर बात करूँ मैं मल्टी प्रोसेसिंग की, तो देखिए क्या क्या होती है, बेटर थ्रोपुट होता है, बेटर थ्रोपुट, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टी प्रोसेसिंग इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ओके। बेटर रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर बेटर होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर, सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और सेविंग कॉस्ट, ठीक है, सेविंग कॉस्ट, ये जो है इसकी एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है, मल्टी प्रोसेसर है तो लार्ज मेन मेमोरी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, और क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोसेसर जब एक से ज़्यादा होगा वो एक ही प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर लेंगे एक से ज़्यादा प्रोसेसर, वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। मल्टी टास्किंग में अगर बात करूँ तो मल्टी टास्किंग क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह,
ठीक है। सिंगल यूजर में क्या होता है, एक मिनट, ओके बस इतना ही याद रखिए कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही होता है। जैसे हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं मेमोरी में और वो जो है एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो मल्टीटास्किंग में भी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो मेमोरी में होते हैं एक साथ एंड एग्जीक्यूट होते हैं वो साइमल्टेनियसली, तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो ये किस तरीके का होता है, ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे कह सकते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो रन होता है इन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयू। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल सीपीयूज पे रन होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस होता है जो अपनी जो है मेमोरी को शेयर नहीं करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर्स। वही कहा मैंने आपको, क्या होता है सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि रन करता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयू पर, तो ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर होता है दैट डू नॉट शेयर मेमोरी। ठीक है, हर एक प्रोसेसर की खुद की क्या होती है, अपनी एक लोकल मेमोरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, लास्ट जो है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो हम स्पेशल टाइप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि अलाउ करता है टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स इन ए सिंगल चैनल और सर्किट विद देम। ठीक है, तो इन केस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन यूज एट ए टाइम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक साथ यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए इसमें। चलिए आगे बात आती है सिस्टम कॉल की। सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल क्या करता है, प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, देखिए वेट, आगे है जनरली देयर इज ए सिस्टम कॉल इंटरफेस बिटवीन द यूजर कर्नल एंड प्रोसेसर। सिस्टम कॉल की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर में जो सिस्टम कॉल होता है एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से किसी सर्विस का रिक्वेस्ट करता है। जब देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम को जब कोई सर्विस चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम को कुछ चाहिए, तो वो किसको रिक्वेस्ट करता है, कर्नल को रिक्वेस्ट करता है, और कर्नल वो चीज़ क्या करते हैं, कर्नल फिर मतलब कर्नल जो है ये चीज़ें सिस्टम कॉल के पास जाती है लास्ट में। तो सिस्टम कॉल जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दिखाया गया है सिस्टम कॉल, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, कर्नल हार्डवेयर। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखते हैं दोबारा से। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन ए प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल जो है ये कर्नल के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है। अगर हमें कुछ भी चाहिए, मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम है और हमें जो है कर्नल से कुछ चाहिए, तो हम किसके थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, हम थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टम कॉल के थ्रू। हम डायरेक्टली कर्नल से नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कर्नल से थ्रू सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के द्वारा हम कर्नल से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम कॉल। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विल ओनली हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल सिस्टम कॉल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं। इन जनरल दीज विल बी सप्लीमेंटेड बाई स्टैंडर्ड सब रूटीन लाइब्रेरीज। मैनी ऑफ दीज स्टैंडर्ड सब रूटीन्स विच प्रोवाइड एडिशनल हायर लेवल फैसिलिटीज फॉर द प्रोग्राम विल themselves use system call. These higher level subroutines are generally organized into application program interface API की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो किस फॉर्म में होती है सिस्टम कॉल, जो भी हमारी जो लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल सिस्टम कॉल्स हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में, ठीक है. एंड एपीआई वुड प्रोवाइड फंक्शंस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम एक्टिविटी सच एज मेमरी, फाइल, प्रोसेस मैनेजमेंट. तो एपीआई का क्वेश्चन जो था ये भी पूछा गया था, ठीक है, और सिस्टम कॉल का भी क्वेश्चन जो था आया हुआ था. यूनिक्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के जो है सिस्टम कॉल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क. देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे देते हैं आपको, वो कोई भी देंगे कि ओपन एंड क्लोज कौन से जो है सिस्टम कॉल्स हैं, या फिर पूछे आपसे कि वेट और फोक जो है ये कौन से सिस्टम कॉल्स है, तो ये प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स होगी. ओपन क्लोज रीड राइट ये फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्स होगी. इसी तरीके से सिलेक्ट हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया एट्सेट्रा, ये क्या है डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्स. टाइम एक्ट एट्सेट्रा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स है. सेंड रिसीव एक्सेप्ट ये क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कॉल्स कह लीजिए, ठीक है. तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सिस्टम कॉल्स में आता है, ओके. चलिए अब बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की. तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 लेयर्ड होता है इस तरीके से. सबसे बीच में जो दिखाया गया है वो होता है हार्डवेयर, फिर आता है कर्नेल, फिर है ये वाली चीज़ें शेल जहाँ पे कमांड्स वगैरह होती हैं, और लास्ट में एप्लीकेशन प्रोग्राम जहाँ पे यूज़र होता है, ठीक है. तो देखिए अगर हम बात करें कर्नेल के पास कमांड प्रोसेसर, शेल, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं. कर्नेल क्या है, कर्नेल क्या प्रोवाइड करता है, कर्नेल प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम. कर्नेल जो है हार्डवेयर तो सबको पता है, ठीक है. हम बात करें कर्नेल की, कर्नेल क्या प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है कि मतलब कौन सी जो है एलोकेट होगी रिसोर्स, कौन सा एलोकेट हो गया ये सारा, ठीक है. तो जो हम जो भी एक्सेस करते हैं रिसोर्स को वो किसके थ्रू करते हैं, सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही करते हैं. तो कर्नेल जो है मेमोरी मैनेजमेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस थ्रू सिस्टम कॉल्स. तो वही पूछा कहा मैंने आपको, जो भी रिसोर्स हमें एक्सेस करना होता है वो हम किसके द्वारा करते हैं, सिस्टम कॉल के द्वारा करते हैं, ठीक है. तो कर्नेल जो होता है कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, याद रखिए सेंटर कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखिए शेल क्या है, शेल देखिए, शेल में देखिए कमांड्स आ रही है अलग अलग दिख रही है ना आपको, हु, वी, आई, ग्राफ और डेट. शेल जो होता है ये इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. यूजर मैंने आपको बताया एप्लीकेशन प्रोग्राम पे यूजर है, और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो क्या है, शेल है. क्यों, क्योंकि हम मैंने आपको पहले ही कहा कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर से काम नहीं ले सकते, हम किसके हेल्प से लेंगे, कमांड्स के द्वारा लेंगे. तो ये शेल होता है, ठीक है. द शेल इज ए प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट द कमांड यू टाइप, जो भी कमांड हम टाइप करेंगे उसे इंटरप्रेट करके वो अपना काम करेगी, ठीक है. अगर कमांड वैलिड होगी तो ही तो काम करेगी वो, ओके. उसके बाद जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया है तो ये यूज़र का हो जाएगा. चलिए अब देखिए अलग अलग टाइप्स का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर भी. मोनोलिथिक सिस्टम हो गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, और माइक्रो कर्नल हो गया, वर्चुअल हो गया. तो अलग अलग टाइप के जो है स्ट्रक्चर होते हैं. तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट, तो सबसे पहले देखिए ये है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या है, ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है जिसको यूज़ किया जाता था फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे अगर पुराना पूछा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर तो वो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है. इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स होता है, ठीक है. और हर एक प्रोसीजर का जो है एक वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, रिजल्ट्स, इन सब की में. तो याद रखिए बस इसमें इतना ही कि इन दिस आर्किटेक्चर इंटरफेस, सॉरी क्या होता है, एक वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है, ठीक है. तो ये दिखाया गया है मेन प्रोसीजर है, फिर सर्विस प्रोसीजर, एंड देन यूटिलिटी प्रोसेसर, और हर एक का जो है इंटरेक्ट करने का अलग अलग वो है, ठीक है.
तो इसका आर्किटेक्चर बस याद रखिए इतना। उसके बाद आता है लेयर्ड का, आप लेयर देख रहे हैं तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में फिफ्थ लेयर पे क्या होता है या सिक्स्थ लेयर पे क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें लेयर्ड आर्किटेक्चर में। अगर फर्स्ट जीरो लेवल पे देखें तो हार्डवेयर आता है, फिर आता है सीपीयू शेड्यूलिंग प्लस मल्टी प्रोग्रामिंग। तो लेयर जीरो जो है डील करता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हायर लेयर वन, हायर लेयर वन जो है हैंडल करता है एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू प्रोसेस, ठीक है, एलोकेशन ऑफ जॉब्स टू प्रोसेसर, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग या सीपीयू क्या है हमारा प्रोसेसर है, तो उसे एलोकेट करने का काम। सेकंड जो आता है हमारा लेवल टू मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, तो इसमें हम यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर फॉर ऑपरेटर कंसोल, ठीक है। आगे है बफरिंग फॉर आईओ डिवाइस, फिफ्थ पे यूजर प्रोग्राम होता है और सिक्स पे ऑपरेटर होता है। तो इस लेयर्ड में जो है ये याद रखिए कि किस लेयर पे क्या क्या होता है, ओके। उसके अलावा ये क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर इसे जो है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो इसका आर्किटेक्चर याद रखिए किस तरीके से होता है, क्लाइंट प्रोसेस होती है ऊपर, प्रोसेस सर्वर, टर्मिनल सर्वर, माइक्रो कर्नल। क्लाइंट ऑब्टेन सर्विसेज बाय सेंडिंग मैसेज टू सर्वर प्रोसेसर, तो ये मैसेज को जो है सेंड करके होता है, ठीक है, सेंड करते रिक्वेस्ट हुए सर्वर प्रोसेस। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम डिवाइड कर देते हैं दो कर्नल में, कॉल्ड यूजर प्रोसेस, यूजर प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं क्लाइंट प्रोसेस भी कहते हैं, और जो सेंड करता है रिक्वेस्ट किसके पास, सर्वर प्रोसेस के पास। एक तो हो गया हमारे पास क्लाइंट प्रोसेस, दूसरा हो गया हमारे पास सर्वर, ठीक है। क्लाइंट प्रोसेस को हम कहते हैं यूजर प्रोसेस भी, जो सेंड करता है रिक्वेस्ट किसको, सर्वर प्रोसेसर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है और ये सेंड कर देता है, मतलब सर्वर जो है सेंड करता है यूजर रिक्वेस्ट बैक विद आंसर, मतलब जो उसे सेंड की गई थी रिक्वेस्ट वो अपना आंसर जो है वापस से उसे बैक कर देता है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट यूजर प्रोसेसर होता है और उसे सेंड करनी होती है रिक्वेस्ट, फिर उसे जो है विद आंसर जो है उसका बैक मतलब मैसेज जो है वो वापस मिल जाता है, ठीक है। चलिए बस यही था मेन, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे या एक दो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में वो देख लेते हैं। देखिए व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, तो हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है और ये मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, तो बिल्कुल सही है ये चीज़, ठीक है। फिर अगला देखिए, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है, तो बिल्कुल यूजर को कोई भी जो है सर्विस चाहिएगी तो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेंगे हम, तो बिल्कुल सही है। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, हम सर्विस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि हमें कोई भी अगर सर्विस हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम थ्रू सिस्टम कॉल जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें बता रहा है कि ट्रू जो नहीं है, कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इन टू मेमरी ड्यूरिंग बूटिंग, बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है जो लोड होता है वो कर्नल ही होता है, जब वो उसका सेंट्रल कोर हो गया तो ऑब्वियस है वो उसका फर्स्ट पार्ट भी होगा ही होगा, तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है। आगे है कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
ओके, देखिए वो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, वो मेमोरी में ही होता है ड्यूरिंग बूटिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता है. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये इसके बारे में सही नहीं है. आगे देखिए, कर्नल जो है रिमेन्स इन द मेमोरी, मेमोरी में ही रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन. कर्नल जो है ये मेमोरी में ही रहेगा एंटायर कंप्यूटर सेशन, बिल्कुल सही है ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी जो है एरर हैंडल की जाती है. तो अब सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, तो पावर फेलियर होता है, इसको हैंडल करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ठीक है, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है. कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है. तो ये भी जो है पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है. तो ऑल ऑफ द मेंशन, जो भी ऊपर मेंशन किया गया है उन सभी को हैंडल करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर का जो है मेन फंक्शन क्या होता है. तो देखिए मेन फंक्शन जो होता है कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है, गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड. ठीक है, मतलब जो भी उसे मिल रहा है उसे एग्जीक्यूट करने के देना, कमांड इंटरप्रेटर का काम हो जाएगा. By operating system, the resource management can be done via. Okay, operating system में जो भी resource होते हैं वो किस तरीके से होता है, resource कैसे management होता है, क्या वो time division multiplexing से होते हैं, क्या वो space के according होते हैं, या दोनों के द्वारा होते हैं. एक मिनट, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक example ले लेते हैं. देखिए रिसोर्स की बात हो रही है, तो रिसोर्स में हमें क्या पता है, एक तो मेन मेमोरी होती है, सीपीयू होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है. अब यही तो रिसोर्सेज होते हैं, यही हमें जो है एलोकेट करने होते हैं. अब वो किसके द्वारा करेंगे, अब मेन मेमोरी की बात कर रही हूँ मैं. मान लेते हैं मेन मेमोरी में क्या है, प्रोसेस है P1, P2 और P3. CPU को हम एलोकेट करेंगे क्या, CPU को टाइम के अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है, मेमोरी में क्या जाता है, स्पेस के अकॉर्डिंग कि उनके पास कितना स्पेस है, सीपीयू में टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं. ठीक है, तो मेन मेमोरी में प्रोसेस को कितना कितना स्पेस चाहिए, मेमोरी में तो स्पेस ही देखते हैं हम, सीपीयू में क्या देखते हैं कि कितने टाइम के लिए जो हम उसे एलोकेट करेंगे सीपीयू प्रोसेस को. तो हमें दोनों ही जरूरत पड़ेंगे, टाइम डिविजन की भी और स्पेस डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग की भी. तो ये हो जाएगा टाइम एंड स्पेस डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग. और रिसोर्सेज में अगर पूछा जाए तो मेन मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो बोथ जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए. अगर प्रोसेस फेल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एरर इन्फॉर्मेशन को किस में भेजते हैं, तो वो भेजते हैं लॉग फाइल में. ठीक है, लॉग फाइल. Which facility dynamically add props to a running system both in user processor and in the kernel? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ट्रेस. ठीक है, डी ट्रेस जो है यहाँ पे सही आंसर होगा. बस इसको इस तरीके से याद कर लीजिए. ठीक, चलिए अगला देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी VX Works, Windows CE, RT Linux ये सारे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा. लास्ट जो क्वेश्चन है, द OS ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी एक मिनट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स हैज मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल या मोनोलिथिक कर्नल विद मॉड्यूल्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, हाइब्रिड कर्नल होता है. ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये था फर्स्ट लेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स. नेक्स्ट में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं. तो यहाँ से भी जो है पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो TGT का हुआ था 2017 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था. तो ये याद रखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कर्नल वाला भी आ चुका है, एक ये एरर वाला. ठीक है, इस वाले में नहीं था लेकिन KVS वगैरह में जो है इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं. ठीक, तो समझ आए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.